ट hmm. आज बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं 2015 के कैलकुलस पोर्शन से कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन यस yes. उस टाइम में बेटा पेपर में वन फोर और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आते थे और इस पोर्शन में से थ्री क्वेश्चन फोर मार्क्स के आए थे और वन क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का दैट मीन टोटल एटीन मार्क्स का पोर्शन आया था चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट

चलिए लेट जस्ट डू इट ये क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आपने किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्विक रिकॉल हो जाता है। हमने X केर को थीटा पुट करना है, राइट वहां एक्स था सिर्फ तो कॉस टू पुट किया था फॉर्मूले जो हम यहां पर यूज करते हैं मी जस्ट रिकॉल ये फॉर्मूले आपको मैं 11 से कहती जा रही हूं बहुत यूज होते हैं बार बार इनको अच्छे से याद रखिए वन माइनस कॉस्ट टू ए वन प्लस कॉस्ट हुए वन माइनस कॉस्ट टू इज टू साइंस के रे एंड वन प्लस कॉस्ट टू इज टू कॉस्ट के रे राइट right? तो यहां पर एक्चुअली जब आप पुट करते हैं एक्सक्र कॉस्ट टू थीटा तो यहां पर और यहाँ पर सेम प्रोसेस चलेगी और इसमें इसमें सेम प्रोसेस चलेगी तो आई विल सजेस्ट कि आप पुट करके पहले ये स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई कर लीजिए

और सेकेंड रूट वन माइनस एक्सक्र अब ये देखो ये आप जब यहाँ लिखोगे ये सारा तो एक तरीके से ये फोर स्टेप्स हो गए फोर स्टेप्स में आपको बार बार दो दो बार लिखना पैटर्न होता है कि आपको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो फिर पुट कर लो वन माइनस एक्सक्र इसमें पुट कर देते हैं इज नथिंग बट टू साइंस थीटा अभी रिकॉल किया हमने ये रिजल्ट राइट right? ये दोनों रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम एंड दैट विल बी रूट टू साइन थीटा ओके आई होप क्लियर यहां तक अब आ जाइए वाई पर अब वाई को कंसीडर करिए वाई जो कि टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्र प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्र अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्र माइनस रूट वन माइनस एक्स एक्सकेयर है ओके इसको हमने सिम्प्लीफाई कर दिया केयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स एक्सक्र इज रूट टू कॉस थीटा, एंड रूट वन माइनस एक्स एक्सक्र इज रूट टू साइन थीटा, ओके ये हम पुट कर रहे हैं यहां पर रूट टू कॉस थीटा एंड दिस इज रूट टू साइन थीटा सॉरी माइनस है नीचे माइनस है हमारा यही थोड़ा सा जल्दी में ध्यान रखना पड़ता है बेटे चलिए ये माइनस आप देखिए क्या कर सकते हैं रूट टू कॉमन न्यूमेरेटर में भी अब हम इस एक्सप्रेशन में पूरा डील कर रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डेनोमिनेटर में भी रूट टू कॉमन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन राइट? क्या बेनिफिट हुआ ये कैंसल अब ये एक्सप्रेशन भी बेटा आपको देखते ही समझ आ रहा होगा ऐसी सिंप्लीफिकेशन में इलेवन से कराती आ रही हूँ आपको और जिस जिसने भी बुकलेट ली है बेटा मेरी उसमें ये सारी सिंप्लीफिकेशन डिटेल में ट्वेल्थ की बुकलेट में है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं वहां से अदरवाइज बिल्कुल जहां आ, किया हुआ है हमने डिस्कशन ट्रिग्नोमैट्री वहां ये सब किया है बट लेट अस जस्ट डू अगेन अब इसमें क्या करते हैं हमने टेन इनवर्स एक्सप्रेशन है कॉज और साइन में और इजिली हम इसे टेन वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं हम दोनों न्यूमारेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं कॉज थीटा से तो ये क्या बन जाएगा वन प्लस टेन थीटा अपॉन

वन हो टेंजेंट पाई बाय फोर वन होता है और नीचे हम टेंजेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टेंजेंट अगेन वन से मल्टीप्लाई काउंट कर सकते हैं और वो वन से मल्टीप्लाई उसको बेटा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए बी ओके दिस विल बी नाउ दिस टेंजेंट ए मैं फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं पहले आपको

और दिस विल बी टेन इनवर्स टेंट फाइव बाई फोर प्लस को अब यहां से हमें जो सी एक्स केयर इज कॉज टू थीटा हमें पता है एक्स इज कॉज वाई दैट मीन्स वाई इज कॉज इनवर्स एक्स ठीक है इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन तो यहां से होगा कॉज इनवर्स एक्स केयर इज टू थीटा ठीक है दैट मीन्स थीटा विल बी हाफ ऑफ कॉज इनवर्स एक्स केयर ठीक है ये केयरफुली पुट करना था यहाँ पे भी बहुत से बच्चों ने उस एयर में गलती की थी प्लस हाफ कॉज इनवर्स एक्स केयर ओके आई होप यहाँ तक क्लियर अभी हमने डेरिवेटिव निकालना है हमने वाई को सिंप्लीफाई किया है सिर्फ फाइव बाय फोर प्लस हाफ इंटू कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया अब इसका इजिली चेन रूल यूज करके डेरिवेटिव आ सकता है सारा काम उस सिंप्लीफिकेशन में था बेटा यहाँ तो इजिली चेन रूल यूज़र होके आपका डेरिवेटिव आ जाएगा और फॉर्मूला रिकॉल करवाऊ मैं आपको कॉज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स

जिसमें सेकेंड डेरेवेटिव बहुत बच्चे गलती करते हैं चलिए पहले हम निकालते हैं फर्स्ट डेरीवेटिव एक्स इज ए कॉटा प्लस बी साइन थीटा राइट तो यहां से सबसे पहले निकला हमारा डी एक्स बाय डी थीटा ए इज कॉन्स्टेंट कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस बी साइन का थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा ओके नाउ वाई वाई इज ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अब वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बी ए कॉटा माइनस बी कॉटा का डेवेटिव माइनस हो गया बेटा प्लस नाउ डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा ये डीवाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डीएक्स बाय डी थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म दिस वि ए कॉस्थीटा प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ओके अब इसको थोड़ा सा देखें बेटा रादर हमें ऊपर ही कर सकते थे देखिए ये क्या आ गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा राइट right? और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज वाई से अगर माइनस कॉमन ले लू तो दिस इज वायट सेकेंड डेरीवेटिव में आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी ध्यान हो तो जब भी सेकेंड डेरिवेटिव के रिलेशन आते हैं तो मैं आपको कहती हूँ फर्स्ट डेरीवेटिव निकाल के मॉडिफाई कर लीजिए उसे राइट right? जो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता हो कर लीजिए बट ये पैरामेट्रिक फॉर्म में था थीटा में ही करने लग जाओगे तो और लंबा आएगा हमेशा ऐसा आता है तो थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिए आप देखिए बिल्कुल ईजिली ऑब्जर्व हो रहा था एक्स ए एक कॉ थीटा प्लस बी साइन थीटा है। वही हमारा डी वाई बाय डी थीटा आया तो उसे हम एक्स लिख सकते हैं राधर हम यही लिख सकते थे दिस इज एक्स दिस इज माइनस वाई ठीक है उसको हम यहाँ पर ही पुट कर सकते थे ये भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं ओके okay, बट जैसे भी क्लिक करे बट एक बार ऑब्जर्व जरूर कर लीजिए अब इसका क्या होगा अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं y को ले आते हैं इधर और राइट right में रह गया माइनस एक्स ठीक है अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा बेटा वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया डी वी बाय डी एक्स ऑलरेडी डीवाई बाई था ठीक है वाई एस सच डीवाई बाई डीएक्स को अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये बन गया डी स्क्वेयर वाई बाय डीएक्स स्क् और राइट right साइड में हो गया बेटा माइनस एक्स माइनस वन एक्स का डेरिवेटिव वन अब यहाँ इसको देखो बेटा जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी है सेकेंड डेरीवेटिव फर्स्टिव है हमने अभी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला निकलास वाई यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स इंटू डी बट हम दोनों को नहीं पुट कर सकते जो हमें शो करना है उसमें डीवाई बाई डीएक्स भी है और जनरल हमारी जब डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है तो एक मेंटेन किया जाता है इसको फर्स्ट डीवाई बाई डीएक्स को हम पुट कर सकते हैं माइनस एक्सअपोन वाई राइट इसको हम पुट कर देते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई डी स्क्र वाई बाय डी एक्स अब राइट right में वहां कुछ नहीं रखा हुआ तो चलिए हम माइनस वन को भी इधर ले आ जाते हैं प्लस प्लस वन ओके अब हम एलसीएम ले, ले लेते हैं वाई से देखिए ये क्या आ जाएगा वाई इन टू वाई स्क्र डी स्क्र वाई बाय डीएक्स स्क्र यही आ जाएगा वाई से मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई यही आ जाएगा और minus x dy by dx, बीच वाली टर्म रह जाएगी, हमने जस्ट एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया तो बस दिक्कत होती है अगर आप इसको थीटा में ही के करने लग जाओ तो आप दो, -दो चार चार पेज लगा देते हो बेटे होता नहीं आंसर तो थोड़ा सा अलर्टनेस रखिए हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद ऑब्जर्व जरूर करिए अगर ऐसे सब्सिट्यूट होता है तो उसे सिंपल करिए ठीक है और यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व रखना था ये तो बार बार वैसे भी कहती हूँ क्या प्रूफ करना है वो थोड़ा माइंड में रखिए बेटा सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व था तो डीवाडीएक्स दोनों को पुट कर देंगे तो फिर फिर नहीं इक्वेशन मिल पाएगी तो एक को हमने पुट किया एक को एस एच ओके चलिए आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग वेन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वेंटी सेंटीमीटर राइट आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड देखिए हमें दे रखा है जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो एट द रेट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है ओके अस एज्यूम साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नेम दे ही रखा है बेशक साइड लिख दीजिए हम साइड लिख हैं सिर्फ इज ए तो हमें ये दे रखा है डी ओवर डी टी इज नथिंग बट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वट रेट इट्स एरिया इनक्रीजिंग जबकि साइड ट्वेंटी सेंटीमीटर हो ठीक है अब ए को ट्वेंटी लिख दिया तो तो के लिए खत्म बेटा बी ऑलवेज केयरफुल हमें अब एरिया देखना है एरिया को चलिए हम ए ले लेते हैं तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्केयर ठीक है नहीं याद तो याद रखिये बेटा अब हमें यहाँ इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है दैट मीन्स डी एवर डी टी निकालना है तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरशियट करना है का का करेंगे मल्टीप्लाई ठीक है अब हमें ये निकालना किस पर था जबकि हमें साइड दे रखी है ए दे रखी है ट्वेंटी सेंटीमीटर ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं टू टू जा तो रूट थ्री बाय टू इंटू ए इज ट्वेंटी सेंटीमीटर और डी ए बाई डी टी भी हमें दे रखा है टू सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हो गया सेंटीमीटर स्क्र पर सेकेंड टू से टू कैंसल तो हमारा आंसर आ गया बेटा ट्वेंटी रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्र पर सेकेंड दैट मींस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ट्वेंटी सेंट ट्वेंटी रूट थ्री इनक्रीजिंग एट द रेट ओके सिंपल क्वेश्चन था रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन बेटा बस यहाँ चेन रूल में आप ध्यान रखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function f x is equal to sine x minus cos x, where x lies between zero and two pi. Also, find the local maximum and local minimum value. Okay, local maximum minimum कब होगा मैक्सिमम मिनिमम कब होगी इसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है मतलब वो पॉइंट्स निकालने हैं जिन पर वैल्यू होगी और उन वैल्यूज को भी निकालना है तो हम ऐसे में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा प्रॉपर प्रोसीजर हमारा मैक्सिमम मिनिमम का फंक्शन हमें दे रखा है ये

f dash x is nothing but 0. That means sin x ka derivative cos x and cos x ka derivative minus sin x. So, ghi plus sine x. This will be 0. That means we can say sin x is minus cos x. That means 10 x is minus 1. Which is nothing but minus tangent pi by 4. बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वन वैल्यू कब होती है टेंजेंट की पाई बाई फोर पर अब माइनस है उसको चेंज करने के लिए हमने यूज किया अलाइड एंगल टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा तो ये हो गया टेंजेंट थ्री पाई बाय फोर अब या तो सीधा हम जीरो से टू पाई में वैसे ही निकाल लें इक्वेशन छोड़ें एक वैल्यू तो एक्स की आ गई बेटा पाई फोर। और हमें पता है है टेंजेंट का पीरियड पाई तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई सेवन पाई बाई फोर ठीक है आई होप इट इज क्लियर टेंजेंट का पीरियड पाई होता है पीरियडिक फंक्शन है सारे आपको ध्यान हो तो हम बजाय इक्वेशन क्योंकि इक्वेशन आपको वैसे ही नहीं कराई गई है उसके बजाय हम सीधा अलाइड एंगल्स और वैल्यूज यूज कर लेते हैं पीरियड यूज कर लेते हैं ये अगर जब होता है तो एक्स इज टू एन पाई प्लस वाई होता है ठीक है अभी हम सीधा क्योंकि जीरो और टू पाई के बीच में चाहिए थ्री पाई बाई फोर तो हमने अलाइड एंगल यूज करके निकाल लिया टेंट थीटा का पीरियड पाई तो पाई एड कर दिया इसमें सेवन पाई बाई फोर दो वैल्यूज रह जाएंगी सिर्फ ये जो हमें वैलिड रहेंगी जीरो के बीच में बस इन पर ही हमने सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है बेटा और उन्हीं पर वैल्यू निकालनी है जिस पर लोकल हो वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर लोकल मिनिमा हो वो मिनिमम ओके तो क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट इसका इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया अब सबसे पहले थ्री पाए बाई फोर पे निकाल लेते हैं इसे दैट बी कॉस थ्री पाई बाय फोर माइनस साइन थ्री पाए बाय फोर अब अलाइड एंगल ही यूज करेंगे बेटा कॉस देखिए हो गया चलिए मैं डिटेल में लिख देती हूँ बरना इनको थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करके आप स्किप कर सकते हो पाई माइनस थीटा हो जाएगा पाई माइनस फाइव बाई फोर साइन थ्री पाइव बाई फोर भी पाई माइनस फाइव बाई फोर दोनों में यही यूज हो रहा है कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस पाई बाई फोर एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा तो वो हमारा साइन बाय बाई फोर रहा और ये दोनों ही वैल्यू हमारी वन बाय रूट टू होती है और इनफैक्ट हमें साइन चेक करना है सिर्फ ये हमारी हो गई माइनस टू टाइम्स टू दैट मीन्स माइनस रूट टू इजली निकाल सकते हैं तो निकाल लिया अदर सिर्फ साइन पर कंसंट्रेट करिए नेगेटिव नेगेटिव दैट मीन्स एफेक्ट्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज टू थ्री बाय फोर या फिर सॉरी जिस फॉर्म में पूछा था वो भी हम लिख सकते थे लोकल मैक्सिमा एफ एक्स लोकल मैक्सिमा एट ठीक है मीनिंग सेम ही है जिस फॉर्म में पूछा हम बस उस फॉर्म में आंसर देना चाह रहे हैं एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी पहले इसी को खत्म कर लेते हैं फिर हम सेवन पाई बाय फोर पे कर लेंगे एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट थ्री पाई बाय फोर और फंक्शन हमारा था बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सॉरी थ्री पाई बाय फोर पुट करना देखिए अब ये हमारी पूरी वैल्यू निकालना वेस्ट नहीं जाएगा यहाँ यूज हो जाएगा साइन थ्री पाई बाय फोर माइनस कॉस थ्री पाए फोर ये हमारी फंक्शन की वैल्यू हो गई थ्री पाई बाय फोर पे हमने अभी निकाला साइन थ्री पाइव बाय फोर पे आई वन बाय रूट टू और कॉस थ्री पाइव बाय फोर पे आई माइनस वन बाय रूट टू तो ये हो गया वन बाय रूट टू माइनस माइनस वन बाय रूट टू दैट मीन्स प्लस वन बाय रूट टू तो टू बाय रूट टू दैट मीन्स रूट टू ओके लोकल मैक्सिमम वैल्यू रूट टू और यही आपको कहती हूँ बेटा जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की जीरो और टू पाई के बीच में ही वैल्यू पूछी होती है तो रूट टू मैक्सिमम वैल्यू है ठीक है चलिए अब सेवन पाई बाय फोर पे चेक करते हैं एफ डबल डैश सेवन पाई बाय फोर दैट मीन्स कॉस सेवन पाई बाय फोर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है माइनस साइन सेवन बाय फोर अब सेवन बाय फोर क्या हो गया टू पाई माइनस पाई बाय फोर राइट दोनों में ये यूज हो गया टू पाई माइनस थीटा दैट इज नथिंग बट अलाइड एंगल ही यूज कर रहे हैं बेटा कॉस टू पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड साइन टू पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा तो ये प्लस साइन पाई बाय फोर हो गई दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा ये दोनों तो ये हो गई हमारी रूट टू पॉजिटिव दैट मीन्स एक्स एज लोकल मिनिमा एट एक्स इज क्वल टू सेवन पा बाय फोर एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इज लोकल मिनिमम वैल्यू इज फंक्शन की वैल्यू एट सेवन पाई बाय फोर अगेन फंक्शन था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो साइन सेवन पाई बाय फोर माइनस कॉस सेवन पाई बाय फोर 9, 7 pi by 4, हमारा आया बेटे माइनस राइट माइनस माइनस दैट दैट और आया हमारा बेटा सॉरी माइनस ऑलरेडी था ठीक है ये माइनस ऑलरेडी था आई मीन टू से हमने यहां पर ऊपर ये सब कैलकुलेशन यूज कर लिए है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है उसी को ध्यान रखिए उसी को यूज करिए माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू दैट मीन माइनस टू बाई रूट टू दैंस माइनस रूट टू ओके लोकल मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट भी निकाल लिया हमने और उनकी वैल्यू भी निकाल ली वेरी गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस अपने आप इसको एक बार करके जरूर देखिएगा बेटा कई बच्चों को लग रहा होगा कि यूजलेसली मैं ये डिस्कस करा रही हूँ बट प्रीवियस क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा रिवीजन का तो इनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए और जो लग रहे हैं थोड़े टफ उनको अपने हाथ से जरूर करके देखिए ओके चलिए लेट्स ऑल फॉर दिन